भारत विच दिनों दिनी लोकां लई कोई ना कोई मुश्किल सामने आ ही रही है। जिथे एक पासे करोना ने पूरे देश विच अपनी रफ्तार फड़ी है, उत्थे ही देश च गर्मी ने भी लोकां दे वट कड्डे होए ने। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ऐतवार को तापमान 45 डिग्री सैलसीयस तो उपर पहुँच गया है। इस दे नाल ही मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ते राजस्थान स्टेटा लई अगले दो दिन लई रैड अलर्ट जारी कर दिता है। मौसम विभाग के खेतरी मौसम केंद्र के मुखी कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश लई लू के संबंध में आरएन चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगले दो तीन दिनों में कुछ हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सैलसीयस तक या फिर उस तो भी उपर पहुँच सकता है। श्रीवास्तव ने कहा कि यह इस गर्मी के मौसम में पहली बार होया है जब लू बारे रैड अलर्ट जारी किया है। इस मौसम में तापमान उस तरह नहीं बढ़िया जिमें यह आम तौर पर उत्तरी ते मध्य भारत में बढ़ता है। तो अजिहा अप्रैल महीने में काफ़ी मीह पैण कारण होया है जो मध्य मई तक जारी रहेगा। शनिचरवार को राजस्थान के पिलानी में 46.7 डिग्री सैलसीयस तापमान दर्ज किया गया सी। मौसम विभाग ने बुलेटिन में कहा सी कि अगले 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू के हालात के नाल इक्का दुक्का इलाकों में सख्त लू की हालात बनी रहेगी। अधिकारियों ने दसिया कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र के विदर्भ, आंध्र प्रदेश, जानम, रायलसीमा उत्ते उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक के हिस्सों में भी अगले 3-4 दिनों दौरान लू चल सकती है। लू की हालात तद तक ऐलानी गई है जब तक वध तो वध तापमान घट्टो घट 40 डिग्री सैलसीयस होवे ते आम तापमान भी 4.5 डिग्री सैलसीयस तो 6.4 डिग्री सैलसीयस तक होवे। मैदानी खेतर लई लू की हालात तद तक होंगी है जब तक वध तो वध तापमान 45 डिग्री होवे ते सख्त लू उस वक्त चलती है जब तापमान 47 डिग्री ज्यादा होवे।